तो फ्रेंड्स अभी मेरी बालकनी कुछ इस तरीके से दिखती है। ये बालकनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी तो इसको एज अ स्टोरेज हम लोग यूज़ करने लगे थे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसका मेकओवर किया जाए। बालकनी को पूरा खाली करके मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था। ये प्लांटर्स मैंने चमनप्रास के खाली कंटेनर से बनाए हैं। इस पर पहले मैंने वाइट ऑयल पेंट किया है, उसके बाद एक्रेलिक कलर से ये डिज़ाइंस बनाई हैं। फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से आपके घर में जो भी वेस्ट कंटेनर्स अवेलेबल हैं तो आप उनको बेचने की जगह इस तरीके से प्लांटर्स के फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा तरीका है, आप कम खर्चे में अपने घर को अपने गार्डन को ईजिली डेकोरेट कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट जाएं और महंगे प्लांटर्स ख़रीदें। इस तरीके से आप वेस्ट मटेरियल से भी अपने गार्डन को अपनी बालकनी को डेकोरेट कर सकते हैं। इस बकेट पर मैंने जूट का जो कपड़ा रहता है उसकी कटिंग करके इसको इसमें लगा दिया है। फ्रेंड्स ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है, आपको अगर पेंट नहीं करना है तो इस तरीके से आप कोई भी जूट का कपड़ा आपके घर में अवेलेबल हो तो आप उस पर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अब बालकनी को थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैंने ये कलरफुल लाइट्स यूज़ की हैं। ये नाइट में काफ़ी अच्छी दिखती हैं। अब थोड़ा सा और क्रिएटिव लुक देने के लिए मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी। जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं बालकनी को डेकोरेट करने के लिए ये मैंने खुद बनाई हैं। इन सब की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये है हमारा फाइनल लुक।